नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं दक्षा। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के हार पर बोले राहुल, पनौती ने हरवा दिया। विवादित बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा राहुल गांधी को मोदी जी से माफी मांगनी होगी। बिहार में आरक्षण बढ़ाने वाली रिजर्वेशन नीति को राज्यपाल ने दी मंजूरी। बिहार में डॉक्टरों की एक दिन की हड़ताल का असर तमाम शहरों में दिखा। एनआरसी के मामले में मरांडी की तरफ से दिए गए बयान पर झारखंड में सियासत गर्म। अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी जालौर में अपनी जनसभा में पीएम मोदी का जिक्र कर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान जनसभा में कुछ लोग पनौती पनौती चिल्लाने लगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अच्छा भला वहां हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, लेकिन जनता जानती है। इसके बाद राहुल गांधी फिर पीएम मोदी का जिक्र कर निशाना साधने लगे। पनौती वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर हो गई है और उनसे अपने बयान के लिए माफी को कह रही है। इस संबंध में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वह अशोभनीय है। राहुल गांधी को मोदी जी से माफी मांगनी होगी, नहीं तो हम देश में इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 10 दिन से सुरंग के अंदर 41 लोग फंसे हुए हैं। वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। देशवासी उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इस बीच सुरंग के अंदर फंसे लोगों का एक वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि मजदूर किन हालातों में सुरंग में रहने को मजबूर है। रेस्क्यू टीम ने वॉकी टॉकी के जरिए उन मजदूरों से बात की और उनका हौसला बढ़ाया। बिहार में आरक्षण बढ़ाने वाली नई रिजर्वेशन नीति को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने मंजूरी दे दी है और हस्ताक्षर कर विधेयक को सरकार के पास लौटा दिया है। कुछ ही देर में गजट प्रकाशित कर दिया जाएगा। बिहार में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का कोटा 7 से बढ़ाकर 75% किए जाने से संबंधित विधानमंडल में पारित विधेयक को अब राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई है। मधेपुरा डीएम की गाड़ी से कुचलकर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। घटना फूलपरास थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब डीएम की गाड़ी मधेपुरा की ओर जा रही थी। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे काम कर रहे मजदूर गाड़ी की चपेट में आ गए। इस दौरान मौके पर ही एक मजदूर महिला और बच्चे की मौत हो गई। वह घटना के बाद से डीएम और ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गए। बिहार के पटना में +2 अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। पटना राजद कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों की संख्या में अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों का साफ साफ कहना है कि अब हम लोगों की उम्र सीमा भी खत्म हो गई है। 6 साल तक हम लोगों ने बिहार सरकार में सेवा दी है, इसके बावजूद उन्हें हटाया जा रहा है। शिक्षकों ने अन्याय करने का आरोप लगाया है। आईएमए और भाषा के आह्वान पर डॉक्टरों की एक दिन की हड़ताल का असर तमाम शहरों में दिखने लगा है। पूर्णिया में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में आईएमए और भाषा के द्वारा एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसके चलते मुंगेर में मंगलवार को सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवा को छोड़कर ओपीडी सेवा बाधित रही। वहीं निजी क्लिनिकों में भी डॉक्टरों ने ओपीडी बंद रखा। डॉक्टरों द्वारा ओपीडी बहिष्कार किए जाने के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार के तमाम जिलों में छठ के दौरान डूबने से कुल 30 लोगों की मौत हो गई। कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में रविवार और सोमवार को डूबने से 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 लापता है।
जबकि उत्तर बिहार में कुल 9 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। सारण व हाजीपुर में भी डूबने से एक एक की मौत हो गई। लखीसराय वैशाली में मर्डर, छठ पूजा पर भी एक्टिव रहे अपराधी। बीजेपी का आरोप, नीतीश से संभल नहीं रहा बिहार। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस बार छठ महापर्व के दौरान लखीसराय और वैशाली में गोलीबारी हुई। सीतामढ़ी और गोपालगंज में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई। हकीकत है कि सत्ताधारी दल से बिहार नहीं संभल रहा है। सोमवार को मीडिया के साथ बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा है कि आमतौर पर छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान अपराधी माफिया शांत रहते हैं, लेकिन इस बार पावन पर्व छठ पर भी माफिया अपराधी सक्रिय रहे। बिहार के लखीसराय जिले में एक ही परिवार के 6 लोगों पर हुई अंधाधुंध फायरिंग में मंगलवार को तीसरी मौत हो गई। वहीं अभी 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। एसपी पंकज कुमार ने कहा है कि प्रेम प्रसंग में विवाद होने पर घटना को अंजाम दिया गया। एसपी ने कहा कि इस घटना में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं आरोपी आशीष की गिरफ्तारी के लिए जिले की पूरी पुलिस टीम लगी हुई है। आरोपी आशीष चौधरी द्वारा लिखित 10 पन्नों का एक नोट पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें सारी बातों का जिक्र किया गया है। अब खबरें झारखंड की। झारखंड के मुसावनी वन क्षेत्र में 5 हाथियों की मौत हो गई है। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी वन क्षेत्र के ऊपर बांधा जंगल के पास 3 हाथी के बच्चे सहित 5 हाथियों की मौत हो गई। इन हाथियों की मौत 33,000 वोल्ट करंट की चपेट में आने से हुई है। ग्रामीण खुद की रक्षा के लिए हाथियों को खदेड़ कर जंगल की ओर भेजते हैं, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एनआरसी के मामले पर बाबूलाल मरांडी की तरफ से दिए गए बयान को लेकर झारखंड में सियासत गर्म हो चुकी है। जहां एक तरफ बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बढ़ते घुसपैठियों पर चिंता जाहिर करते हुए एनआरसी लागू करने की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुटकी लेते हुए खुद बीजेपी को घुसपैठियों की पार्टी बताते हुए उनके अध्यक्ष से पार्टी के अंदर एनआरसी लागू करने की मांग की है। अब खबर खेल जगत की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को टीम की कमान सौंपी गई है। सीरीज का पहला मुकाबला 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। 26 नवंबर को दूसरा मुकाबला तिरुवनंतपुरम में होगा। गुवाहाटी में तीसरा, रायपुर में चौथा और 3 दिसंबर को आखिरी और 5वां T20 इंटरनेशनल बेंगलुरु में खेला जाएगा। अब बात मौसम के मिजाज की। छठ के समापन के साथ ही राज्य में ठंड भी बढ़ने लगी है। अगले कुछ दिनों में ठंड अपना असर दिखाने लगेगी। सोमवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पटना में एक बार फिर से हवा खराब हो गई है। कई शहरों का AQI 300 के पार पहुंच गया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। बने रहिए इसी तरह से दर्श न्यूज पर।